हेलो, वेलकम टू माय चैनल मेड फ्रॉम हार्ट। हाउ आर यू ऑल? होप सब अच्छे होंगे और यही हम कहते हैं कि सब अच्छे हों, प्रार्थना करेंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ब्यूटीफुल DIY, एक ऑर्गेनाइज़र फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक ए टॉयलेट रोल। ओके, सो बहुत बारी हमें ऐसे लगता है, हमें बहुत कभी किसी काम के लिए, ड्यूटी में या कहीं पर भी जाने के लिए जल्दी होती है और हम पिंस ढूंढते रहते हैं, पिंस कहाँ गई, इतनी छोटी होती हैं और कई बार हमें मिल नहीं पाती। तो चलिए, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि बहुत जल्दी है और पिंस मिल नहीं पाती, तो आज हम बनाते हैं एक ऑर्गेनाइज़र, ताकि हमें जब भी हमें कहीं जल्दी जाना हो या तैयार होना हो तो हमें इन पिंस के साथ खेलना ना पड़े कि कौन से पिन कहाँ पर है। आप सबके पास टॉयलेट रोल तो होंगे घर में, और हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जब ख़त्म होता है टॉयलेट पेपर तो फेंक देते हैं। तो आज हमें फेंकना नहीं है, आज हम उन्हें रख लेंगे, ताकि जो हमें देरी हो रही थी अपनी पिंस को ढूंढने में, उसके लिए हम एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनाइजर बना सकें। ओके, चलिए फिर शुरू करते हैं। अब मैंने 3 साइज़ के ये लिए हैं, इसको 3 साइज़ में कट किया है। एक मैंने अपने जूड़ा स्टिक्स के लिए किया है, थोड़ी ज़्यादा हाइट वाला, उसको कट नहीं किया, नॉर्मल रहने दिया। एक छोटा कट किया है बॉबी पिंस के लिए, साइड पिंस के लिए, और एक मैंने थोड़ा उससे बड़ा किया है अपनी जूड़ा पिंस के लिए। ठीक है, उसको हम ऐसे उस पर हैंग भी कर सकते हैं और उसमें अंदर भी डाल सकते हैं। अभी हम इसका बेस बनाएंगे, इसको भी कलर करेंगे सुंदर सा, एक अच्छा सा बनाएंगे हम। तो इसके लिए मैंने एक कार्डबोर्ड लिया, कोई भी वेस्ट कार्डबोर्ड है, उसको एक शेप में ऐसे फ्लावर और एक क्लाउड कह सकते हैं उसके शेप में कट करा, आप जैसी मर्जी शेप ले लें। उसके बाद मैंने इसको जैसो का एक कोट अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, सो दैट ये इवन सा हो जाए। और उसके बाद हम कोई भी जो भी आपको पसंद है कलर, मैंने मोव कलर लिया है, लाइट पर्पल कलर लिया है, उससे इसको स्पन से मैंने पहले जैसो अप्लाई करा अच्छे से साइड्स पे, और उसके बाद इसको पर्पल कलर का मैंने पेंट कर दिया। फिर उसके बाद वो जो 3 हमारे पास टॉयलेट रोल थे, उनको भी उस पर मैंने कोई कलर, उस पर भी मैंने जैसो का एक कोट अप्लाई करके ब्लैक मार्कर से, परमानेंट मार्कर से, उस पेपर कुछ कुछ मैंने डिज़ाइंस बना दिया। आपको जैसे भी पसंद हैं वैसे डिज़ाइन बना सकते हैं। ओके, सॉरी फॉर माई वॉइस, थोड़ी सी ख़राब है। फिर उसके बाद हम इन तीनों को उस पर स्टिक कर देंगे अपने बेस पे जो हमने बनाया है, सो दैट कि ये मजबूत हो जाए और जब भी हम यूज़ करें तो काफ़ी टाइम तक रहे हमारे पास। ठीक है, अब हम तीनों को अच्छे से, ग्लू गन है आपके पास, अगर जेसो है तो किसी भी उससे आप इसको फिक्स कर सकते हैं, और इजी फिक्स हो जाएगा क्योंकि ये कार्डबोर्ड है, पतला है और जल्दी हो जाता है, इसलिए इतनी कोई मुश्किल नहीं आएगी उसको, तो आप उससे इसको कर सकते हैं एक एक करके। थोड़ा सा वो होगा, मुश्किल होगा, तो आप तीनों को भी एक दूसरे के साथ कर दें। बाद में कार्डबोर्ड पे ये मैंने ग्लू लगाई, उसके बाद उससे हो नहीं रहा था ढंग से, तो फिर मैंने ये, मेरे पास PVA ग्लू पड़े थे या फेविकॉल है आपके पास, तो आप उससे भी इसको चिपका सकते हैं। ये बन के तैयार हो गया। साइड्स अनइवन लग रही थी तो मेरे पास ये थ्रेड पड़ा था वाइट, तो मैंने वो थ्रेड उस साइड पे इसको बेस को कवर करने के लिए लगा दिया, और इन तीनों पे मैंने अंदर वाइट पेंट कर दिया था, और ये हमारा ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनाइजर बनके तैयार है। और अगर आप ऐसे और भी आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और ज़रूर अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करना, सो दैट उन्हें भी हेल्प मिले और वो भी ऐसे सुंदर सुंदर ऑर्गेनाइजर बना के वेस्ट चीज़ों से अपने घर को अच्छे से मेंटेन कर सकें। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।